ए टू जैड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल जी राम राम। खटखट टोल प्लाजा पे फिलहाल बैठे हैं भाई। खेड़ा खाप के प्रधान पहलवान सतवीर बरसोला जी अपने साथ बैठे हैं। जो सरव खाप की आज 20-25 खाप इकट्ठी हुई थी जींद की, उनमें के प्रस्ताव आज पास कराया गया, के नई बात थी, तो प्रधान जी बताऊंगे। प्रधान जी सबसे पहले राम राम जी। राम राम भाई सोनू। तो आज के फैसला खापा ने लिया है वो थोड़ा आप बता दो जी। हमारे 5-6 प्रस्ताव पास करे। अच्छा जी, मैं ये देख के बता दूंगा। बिल्कुल देख के बताओ जी। हाँ। जो आपके प्रस्ताव बीजेपी जेजेपी के कोई भी नेता हरियाणा में नहीं घुसेगा। ये पहले भी प्रस्ताव पास करे हैं और आज जो 20 तारीख है खटखट टोल प्लाजा में हमारी जींद की खापों ने प्रस्ताव पास कर दिए। नंबर दो, किसी भी किसान और किसी भी कारखाने या आगजनी आपदा होती है तो किसानों को पूरा मुआवजा देना पड़ेगा, सरकार से मांग करें। नंबर तीन, क्षतिपूर्ति एक कानून सरकार ले आई है, उसको तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाएगा। तीन हो गए। नंबर चार, आज सर्वे खाप ने जो निर्णय लिए हैं, किसी भी किसान मजदूर से अपील करती है कि राजनीतिक भाषण या झंडा किसान मजदूर अपने घरों पर तूड़ी पे कुपों पे लगाए जाएंगे। ये यानी भारतीय किसान यूनियन का, भारतीय किसान यूनियन का झंडा तूड़ी के कुपों पे, गाड़ियों पे, मोटरसाइकिलों पे, घरों पर लगाए जाएंगे। और अगर किसी राजनीतिक पार्टी का तो वोट आया जाएगा। नंबर पाँच, सर्वे खापों ने निमिन लिख लिए, गांव के घर घर जाकर हर घर को एक आदमी हर घर से प्रेरित किया जाएगा। भाई दिल्ली बॉर्डर पर जाओ, टोल प्लाजा बॉर्डर पर जाओ, नंबर लाओ सेना की डाल। अगला एक आदमी आंदोलन में होना चाहिए, एक आदमी आंदोलन में होना चाहिए, क्यों करोड़ों अरबों की आबादी है अपने पास। अगर सरकार कोरोना का बहाना करके आंदोलन को अंदाता को किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करती है तो उसमें जो नुकसान होगा वो सरकार जिम्मेदार सरकार होगी। यानी कोई भी किस तरीके का नुकसान होने की संभावना प्रधान जी, इसमें लाठीचार्ज हो गया, किसी ने बेउद्द आदमी ने या सरकार ने क्यों विश्वास नहीं, को गाड़ी का आग लगा दी और तो हम कुछ कर देनी। यानी एक ऐसा जो सरकार का ऑपरेशन क्लीन है कोरोना को लेकर, हाँ, हाँ, भाई वो नहीं होना चाहिए आपका कहना। हाँ, वो हम नहीं करेंगे, करेगी तो सरकार या उसके आदमी करेंगे, उसकी जिम्मेवार प्रशासन और शासन और सरकार होगी। बिल्कुल, ये 6 प्रस्ताव लिए हैं भाई। 6। हाँ। चलो भाई, 6 प्रस्ताव आज जो सरो खाप इकट्ठी हुई थी जींद की उनमें पास करे हैं। और जितने दर्शक देखने लग रहे हैं उन तो भी मेरी एक अपील है, ये 6 के 6 प्रस्ताव जो हैं, जितने अधिकारी अफसर जो भी इस वीडियो ने देखे हैं, आगे की आगे इसने शेयर करो, सरकार तक पहुँचाने की इसने कोशिश करो, हरियाणा सरकार तक तो इसने जरूर पहुँचाओ कि जब 20-25 खाप इकट्ठी हुई, इसी बात नहीं है खापा का बड़ा दबदबा रहा है, बड़े बड़े फैसले सुलझाए हैं खापा ने, तो आज भी बहुत बड़े 6 जो ऐतिहासिक इन फैसले लिए हैं, ये 6 के 6 फैसले सरकार के संज्ञान में डाले जावें ताकि सरकार न पता चले कि इतनी खाप जो इकट्ठी हुई थी उनका यूँ फैसला और इन पर संज्ञान लेने की सरकार कोशिश करे। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। जय जवान जय किसान।